लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। जिला प्रशासन शोपिया के निर्देश पर पर्यटन विकास प्राधिकरण शोपिया दुबजान पीर की गली के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया। विभाग द्वारा यह अभियान पर्यटन स्थलों पर नाजुक परिस्थिति को संरक्षित करने और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और पर्यटन के अनुकूल रखने के अलावा पर्यावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया। इसके अलावा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य पर्यटकों जनता के बीच अपने पर्यावरण को स्वच्छ और गंदगी मुक्त रखने के लिए जागरूकता पैदा करना है, जो बदले में खुद को स्वस्थ और रोग मुक्त रखेगा। नगर परिषद शोपे के सफाई कर्मचारी और कई स्कूलों के छात्रों ने इस स्वच्छता अभियान में भाग लिया। स्वच्छता अभियान के दौरान छात्रों को स्वच्छता और स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूक किया गया। सफाई रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ लग सकती है। मलेरिया है, काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जो हमें लग सकती हैं। डर्मेटोलॉजी वगैरह हमें डस्टबिन में डालने चाहिए, इसलिए हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। इससे माहौलियात पे क्या असर पड़ता है, आपको पता है? इससे माहौलियात पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो ये प्लास्टिक होता है ये कभी पिघलता नहीं, मतलब ऐसे ही रहता है अगर आप कुछ भी करेंगे, इसलिए हमें ये डस्टबिन में डालना चाहिए। इससे आज क्या करने आए थे आप यहाँ पे और आपने क्या किया? हम यहाँ पे सफाई करने आए थे आज। तो लेकिन अपने माहौल को साफ रखें, जो भी आप अपने साथ चीज़ें लाते हों उनको प्रॉपर डस्टबिन में आप इस्तेमाल करिए। डस्टबिन रखें, हमें जगह जगह पे डस्टबिन रखिए, क्योंकि कल अगर आज कोई पार्टी आई है, कल दूसरी पार्टी आएंगे, वो अपना गंदा माहौल देखेंगे, पार्क गंदी है, तो इसलिए यहाँ लोगों का आना है। ये डस्टनी है, यहाँ हर कोई लोग आ सकते हैं, बाहर फॉरनर भी आ सकते हैं, इंडियन भी आ सकते हैं। सो खासकर यहाँ पर स्कूल बच्चों के पिकनिक हमेशा रहते हैं, इसलिए हमने ये अवेयरनेस कैंप रखा। हमने आज स्कूल बच्चों को भी बुलाया, म्यूनसिपलिटी को भी बुलाया, उनकी बदौलत से हमने यहाँ सफाई का ड्राइव रखा और बच्चों को भी समझाया कैसे ये साफ़ सुथरा माहौल हम रख सकते हैं, कि घरों में भी रखना है हर जगह। अगर किसी जगह कीचड़ देखोगे, ये नहीं सोचना कि मेरा कीचड़ नहीं है तो मैं नहीं उठाऊँगा। हर कोई वो ऐसा करे, पहल करे, ताकि दूसरों को लगे कि इसने पहल किया कि ये कीचड़ उठाया, मुझे भी चाहिए कल किए। इसलिए अवेयरनेस कैंप चलेगा तो इंशाल्लाह हर किसी में शऊर आ जाएगा।